ना वो करना है गेट नंबर 3 पे। मांग हमारी ये है कि जो पीसीएस का एग्जाम ये 2 सेक्शन में कराना चाह रहे हैं, आरओ का एग्जाम 3 सेक्टर कराना चाह रहे हैं, उसमें होगा क्या नर्वेशन होगा, तो उसमें किसी के नंबर घटाएंगे किसी का बढ़ाएंगे अपने हिसाब से काम करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पर पहुँचना है शांतिपूर्ण तरीके से, अपनी मांगे रखना है कि जैसे पहले होता था एग्जाम, 1 सेक्ट 1 दिन। इसके लिए आप सब लोग पहुँचिए वहाँ पर कल 11 बजे और अपनी मांगे रखते रहेंगे। नंबर 3 पे सुबह 11 बजे। ये जो पूरे भारत में किसी राज्य में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, न 2 सेक्टर में एग्जाम होता, सिर्फ उत्तर प्रदेश ये प्रयोग करने जा रहा है, आयोग ये करने जा रहा है, ये हमारे आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। अगर आप ये बात मेरी समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो आपके सीनियर जो मेंस वगैरह लिखते रहे होंगे उनसे चर्चा कर लीजिएगा, स्केलिंग को लेकर कितने लोग अंदर हुए बाहर हुए वो बेहतर जानते हैं। तो कुल मिला के ये लड़ाई हमारी आप सबकी है, आप सब अपना अमूल्य समय 2 घंटे 3 घंटे निकाल के कल 11 बजे आयोग पहुँचिए। दबाव पड़ेगा आयोग के ऊपर और आयोग ये फैसला जो ले रहा है ये बदलेगा। बिहार में अभी हुआ, वो भी 2 शिफ्ट में करने वाले थे, उन्होंने बदल दिया अपना डिसीजन, अब 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा। हमारी मांग बस यही है, जो पहले जैसे एग्जाम होता था वैसे ही कराओ, व्यवस्था करना तुम्हारा काम है, वो हम नहीं जानते, हम छात्र हैं, हम प्रभावित नहीं होना चाहते। पहले जैसे प्री की परीक्षा होती थी 1 शिफ्ट में, वैसे ही हम चाहते हैं आरओ का भी हो पीसीएस का भी हो, बस इतना ही मेरी बात है। ठीक है भैया, चलिए सब।